सरदार, संजाक्सिस के बिना सौदा करना जायज है क्या? हमारा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है? एक सलेबी, दूसरा मंगोल, आखिर क्या चल रहा है ये? हमारा हिस्सा तो देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा अंजाम मौत है। बिना बुलाए मेहमानों को मौत ही रास आती है। सिपाहियों, हमला करो, हमला! पहले तुम पर कयामत आती, तुम खुद ही इसके पास आ गए उस्मान। कयामत से तो तुम लोगों को डरना चाहिए, हमारे लिए तो वो ईमान का हिस्सा। चलो फिर आ जाओ। जहां काफिर होते हैं वहां हमेशा उन्हें रोकने के लिए बहादुर मौजूद होते हैं। आ जाओ, ये हमारी सरजमीन है, तुम काफिरों को यहां जिंदा दफना देंगे। तुम्हारी ताकत हम तुर्कों के आगे कुछ नहीं। तुम्हारी बंजर जमीनें खून का समंदर बन जाएगी उस्मान। तुर्कों के खून से सरजमीन सैराब होती है और ऐसे ही हमारी हुई, और तुम लोग जो इन सरजमीनों पर गिर भी नहीं सकोगे। चलो उठ जाओ, जरा उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। कब्जा करोगे यार? कारा जिला सुन के खून के एक कतरे के बदले अलखानी तुम पर अपना गजब ढाएंगे। अच्छा ऐसा है, चलो आ जाओ जरा, डरो मत, आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर देखो मुझे। कारा जिला सुन कौनिया का वली अहद बन चुका है। वो चाहे वली अहद हो या सुल्तान हो, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा, और हमें और जालिमों पर हमें रहम नहीं आता।
चलो उठाओ इसे। जनाब, हथियार हमारे हाथ लग गए हैं। हाँ ठीक है सरदार, यकीनन इस सब के बाद बाज़ेंतीनी और मंगोल थोड़े वक्त के लिए पुरसुकून रहेंगे। नहीं माइंडर, कुछ नहीं होगा ऐसा। काराजला सुन, कोनिया का इलाहानी वाली हत बन चुका है, वो नहीं रुकेगा, यकीनन वो जरूर आएगा। अब हालात पहले से ज्यादा मुश्किल होंगे। हुजूर क्या हुक्म है? तेज होना होगा, फौरन तैयारियां शुरू की जाए, हथियार जमा करो और सारे कवायल में तकसीम कर दो। जो आपका हुक्म। अब दीवान का जो फैसला आएगा वो अहम होगा। अगर तो वो हमारे पीछे खड़े हो गए तो हमें फतह नसीब हो सकती है। हम अगर वो सभी गाफिल हो गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। गोंजा, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। जरूर हुआ है, क्या तुम अपनी सहेली को नहीं बताओगी? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती मैं, तुम तो खुद मुश्किल में हो होलोफेरा। मुझसे कह सकती हो, वैसे भी मैं चाहती हूँ कोई बात मेरी परेशानियों से मेरा ध्यान हटा दे। क्या इस बात का ताल्लुक अलाउद्दीन से है? मैं तुम्हारी राजदार रहूंगी। अलाउद्दीन ने मुझसे इजहार कर दिया। बहुत खुशी हुई ये सुनकर गोंजा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग उलझा हुआ है होलोफेरा। सही कहा, एक तो तुम्हारा खानदान भी ऐसा ही है, नामुमकिन है ये। तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ मुझे, क्या नामुमकिन का सामना करने का कोई जवाब है होलोफेरा? मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं भी रोज अपने आप से यही सवाल करती हूँ। दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल कहता है अगर अलाउद्दीन अपने दिमाग पर काबू पा सकता है तो तुम भी पा सकती हो। अलाउद्दीन से मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम जाओ उसके पास गुंजा, अपने जज्बात का इजहार करो उससे। तुम्हें ये सही लगता है? और तुम क्या करोगी? तुम और हान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने मुझसे इस्लाम कबूल करने का कहा है। अगर इस्लाम कबूल कर लेती हूँ उसी सूरत हमें शादी की इजाजत मिलेगी। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मुझे नहीं मालूम है गोंजा,
मुझे नहीं मालूम। गौंजा खातून, गौंजा खातून, गौंजा खातून। आ गया। गौंजा खातून, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ गाजी। कुछ कहना है मुझे। हुँ? बाजार के पीछे दरख्तों के दरमियान आपका कोई इंतजार कर रहा है। काम आसान हो आपका आसमा खातून। शुक्रिया। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा। अगर ऐसा रहा तो आप अरहान से शादी नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब इसका? सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब कहते हैं कि आसमा की कोई इज्जत ही नहीं। कहते हैं कि तुम इस अकेली लड़की को नहीं रोक पाओगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। वो हार नजर आ रहा है उसके गले में, और हान साहब ने तोहफा दिया है उसको। आप तो ख्वाब देख रही हैं सिर्फ, और हान साहब आपकी तरफ देखते ही नहीं। इसका मतलब ये है आसमा खातून, वो ताकत आप हासिल नहीं कर पाएंगी जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा। सरदार की बीवी मैं बनूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हरगिज हार नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है खातून? क्या कह रही हो तुम? यहां तुम अभी तक मेरे मंगेतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो खातून? हद में रहो अपनी, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे हद में रखना है। तुम किसकी जमीन में किसको हद मालूम करवा रही हो? चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो रहान को। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। हाँ, फिरा आसिमा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने वही किया है मलहून खातून जिसकी ये मुस्तहक थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? आसिमा, क्या हो रहा है यहाँ? होलोफेरा, आसिमा से तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने इसे थप्पड़ मारा है। होलोफेरा को माफी मांगने की जरूरत नहीं बल्कि आसमा को है। ऐहान आगा, अगर उस सलीबी ने धोखा दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शहजादे मोहतरम, आप यकीन करें वो बहुत डरे हुए हैं।
वासिलिस का सुनकर। वो आ ही रहे होंगे, बल्कि आ ही गए। कैस्टल के जंदान के कुत्ते। मोहतरम शहजादे, मैं आपके लिए सोना लाया हूं। आगे लेकर आओ उसे। थू, गद्दार शैतान। बेवकूफ हो तुम मेहमत, तुम सोने की खातिर इसे माफ करने जा रहे हो, और कोई उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। अब हम क्या करें शहजादे, क्या हम हमला कर दें? रुक जाओ, अभी नहीं, हम इंतजार करेंगे। ये इतना सोना बहुत से शहरों और किलों को जिंदा रखने के लिए काफी है, लेकिन ये सब नहीं चाहिए मुझे, इसकी ज्यादा कीमत चाहिए मुझे। एक जालिम का सर सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। सिपाहियों, सिर्फ वसीलिस को ही नहीं बल्कि उसके साथ सभी को कुचलना। याकूब साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताइए एलिगा, अपना गुस्सा भेजिए, इंतकाम किया चलाने के लिए। याकूब का शहजादा आज फिर से मौत के मुंह में आकर खड़ा हुआ है। शहजादे, मुझे खबर नहीं थी बिल्कुल कि ये शैतान भी यहां तक आ पहुंचेगा। तो तुम ये सोना यहां से लेकर निकलना चाहते हो? अलाउद्दीन, अच्छा तो आप नया खेल खेलना चाहते हैं। गोंजा खातून, आलगन, आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने ही आपको यहां बुलाया है गोंजा खातून। आप यहां अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही थी ना? आपकी साजिश को जानती हूं मैं। ये आप क्या कह रही हैं आलगन? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मां के नक्शे कदम पर चल रही हैं ना? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने सब कुछ सुन लिया था गुंजा खातून। क्या मालूम हुआ? उस्मान साहब,
वो किसी काराजिला सून नामी शख्स के पास जाएंगे। उनके साथ सिपाहियों की तादाद कम है। अलाउद्दीन रास्ता ढूंढ रहा था। अलाउद्दीन साहब से करीब होना एक साजिश थी। उस्मान साहब से काराजिला सून के मिलने की खबर भी आपने ही दी थी। आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? आपने ये सब अलाउद्दीन को नहीं बताया? ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने वाला खातून को बता दिया तो जंग हो सकती है इस पर। इसीलिए आपको यहां बुलाया। अगर जरा भी इंसानियत नाम की चीज है आप में तो इस खेल को खत्म कर दे। अलगना कुछ नहीं मैं जानती, जानती हूं मेरे लिए काफी है गोंजा खातून। अगर आपने ये खेल खत्म ना किया तो मैं आपकी हकीकत सामने ले आऊंगी। सुना आपने? नहीं। वक्त बहुत कम है गोंजा खातून। नहीं अलगन, अलगन क्या करूंगी मैं? यहां काफिर आ जाओ। शुक्रिया उस्ताद, हमेशा की तरह बचा लिया। शुक्रिया कहो क्योंकि मेरी वजह से तुम बच गए। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे आ जाते हो। सिपाहियों आ जाओ। सिपाहियों होशियार रहो, होशियार, पीछे मत हटना, अपने अल्लाह की रजा के लिए लड़ो। Ah!
मेरे भाई का बदला तुम्हारे सीने को चीर कर पूरा होगा। तुम्हारे भाई का सर मेरे बाबा के हिस्से में, लेकिन मौत तुम्हारी उसी की तरह होगी। आसमा, तुम यहाँ होलोफेरा की दुकान में क्या कर रही थी? हाँ, कहो जल्दी और बताओ सबको तुम यहाँ क्या कर रही थी। तुमने बुलाया था यहाँ, ये झूठ है। झूठ क्यों बोल रही हो? होलोफेरा आसमा, जवाब दो कि होलोफेरा दुरुस्त कह रही है। इस दुकान में तुम क्या कर रही थी? बस बहुत हो चुका, होलोफेरा की इतनी तौहीन काफी। ये क्या कह रही है सादत खातून? हकीर कौन जान रहा है इसको? मैं आपको होलोफेरा को मजीद सताने की इजाजत नहीं दूंगी। सादत खातून, यहाँ माहौल पहले ही बहुत पेचीदा है, इसे मजीद पेचीदा मत बनाए। होलोफेरा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि होलोफेरा ने आसिमा को थप्पड़ क्यों मारा। अगर वजह जानना चाहती हैं तो देखिए। होलोफेरा आपको बताने से कतरा रही कि यहां क्या हुआ। ये सब शुरू करने वाली आसमा ही थी। ये क्या है आसमा, क्या किया है तुमने? अब आप आसमा की हिफाजत कीजिए मलहूम। रुक जाओ, तुमने जो कुछ किया वो हमारी खानदानी रिवायात के खिलाफ है। आज के बाद तुमसे रिश्ता खत्म। जिंदा बची हो तुम, मगर अब और नहीं।
कोनिया में जिसको वली अहद बनाया गया है वो बहुत ही जालिम है। वो काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस सरजमीन ने कई जालिम देखे लेकिन कौन जिंदा है आज, और जो आज जिंदा है उनका अंजाम भी वही होगा। जंग सिर्फ घोड़े दौड़ाकर नहीं जीती जाती। हम अभी तक जानते भी नहीं कि वो है कौन जिसने आते ही सलेबियों के साथ तावुन किया, कारवां रवाना किया। क्या आप जानते हैं? आपको लड़ने की तरगीब देने वाले उस्मान साहब यहां मौजूद ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहां थे उस्मान साहब? ये सारी मुसीबतें हम पर डालने वाले जंग और सिपाहियों की बात करने वाले उस्मान साहब कहां है? क्या हम सब आपके पीछे लड़ेंगे उस्मान साहब? आपको काफला या किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं है सरदार उस्मान, इसकी वजाहत आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। बुरान जनाब, मैंने कारवां पर हमला किया जिसकी बात हो रही, मार दिया सलीबियों और मंगोलों को भी। जब आप सब यहां दीवान में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मैं जंगी दीवान में मौजूद था, और ये रहा उनके सरबराह का सर। उनका सरबराह यह है? यही है। हाँ, अरे चला सुन, कोनिया का नया वली अहद है, अरे चला सुन से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसा फर्द नहीं है वो जो तख्त पर बैठ के हुकूमत चलाए। कुछ अरसे से जिस जंग की हम बात कर रहे थे वो दहलीज पर है। जंग आप सभी को मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मेरे सरदारा, अगर आप सब मेरे कहने के मुताबिक चले, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी, लेकिन अगर आप लोग किसी और सुल्तान के साथ खड़े रहेंगे तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हमने आप पर बहुत दबाव डाला जबकि चीजें बहुत मुश्किल थी उस्मान साहब, और इसके बरक्स आपने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। उस्मान साहब हमें माफ कीजिएगा,
सरदार उस्मान हमें जरूर माफ कर देंगे। बेहतर यह होगा कि मुस्तकबिल में ऐसी गलती दोबारा ना हो हमसे। सब कुछ वाजे हो चुका है, जंग लड़नी होगी। क्या आप जिहाद चाहते हैं उस्मान साहब? मैं जिंदा ही जिहाद के लिए हूं याकूब साहब। किसके साथ करेंगे आप ये सब? ये सब कुछ तो वाजे है उस्मान, करासी साहब आपके पीछे हैं, फलकदीन साहब आपके पीछे हैं, और अगर सुलेमान साहब भी आपसे मिल जाएं, तब भी तुम सबकी तादाद मेरी फौज की आधी भी नहीं बनती। हमने जो हथियार हासिल किए उन लोगों से, वो लोगों में तकसीम किए जाएंगे। जो भी कोई तलवार उठा सकता है वो हमारे पीछे खड़ा होगा। तुम चाहते हो तुम अपने लोगों के साथ इन सरदारान को भी बर्बाद कर दो। तुम मेरे सिपाहियों के बगैर कुछ भी नहीं। अगर तो ऐसा है तो इसके इख्तिताम पर हम फख्र कर सकेंगे याकूब साहब। ये इख्तिताम नहीं होगा बल्कि ये एक नई शुरुआत होगी। मैं अपने सिपाहियों को आपके कमान में दूंगा। क्योंकि आप जिहाद चाहते हैं, मैं जिहाद आपके हवाले करूंगा। तुगरल और चागरी साहब की तरह, बिल्के खान और कुलतकिन की तरह, तख्त मेरा है और दीवान भी, बाकी जिहाद और शिकार तुम्हारा होगा। सब जंगजू इकट्ठे होंगे उस्मान साहब, और उन सब की सरबराही आप करेंगे। ये सब कुछ आपके सुल्तान की तरफ से। हां, लेकिन अगर आप इसके बरक्स सोचते हैं, यानी आप सुल्तान बनना चाहते हैं, तो तमाम सरदार आपकी नीयत पर शक करेंगे, और मैं तुम्हें कुचल के आगे बढ़ूंगा। इन्होंने शहजादों के लिए जाल बिछाया जनाब, और सिपाहियों को मार डाला। काश के ये फैसला न लिया होता मैंने, तो तुम्हारी ये पेशकश कबूल भी कर लेता। मगर शिकार भी मेरा और दीवान भी मेरा। और अगर तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा।
अल्लाह आपको फतह से नवाजे। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुर्बोस, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस्मान सरदार, ये गजब ना करें। उस्मान सरदार, उस्मान साहब इख्तदार चाहते हैं। सुलेमान साहब, उस्मान साहब को सिर्फ सल्तनत चाहिए। जिहाद और लड़ाई सब झूठ है। बस! चुप हो जाएं याकूब साहब। वासिलिस को मारने के लिए तुम्हें दिया गया था, मगर तुमने उसका इस्तेमाल किया काफिरों से सौदा करने के लिए। ऐसा ही है। मैं तबादले के दौरान इन सबको खत्म कर दूंगा। सिपाही तैयार हैं, मैं इन सबको काट के फेंक दूंगा। तुम नाकाम हो गए हो, तबाह हो गए हो। हमला किया उन्होंने, सिपाहियों की जान ली। तुम्हारा बेटा मेहमत, मेरा बेटा और हम, तुम्हारी इन हरकतों से कुफार के जंगल में आ गए। मैंने ये उनको खत्म करने के लिए किया था। अभी वासिलिस जिंदा है। तुमने वासिलिस को जिंदा रख के मेरे सिपाहियों की जानों को खतरे में डाला है। मेहमत, देखो इधर, देखो इधर। दुश्मन को तुमने फरार होने दिया,
और उन्हें मजबूत होने का मौका दिया। ये काफी नहीं था तो सिपाहियों का, शहजादों का सौदा किया। अब बताओ मुझे, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ याकूब साहब? सिपाही, मेरे भाई, नदियां बहेंगी, इनकी हड्डियां इनके जिस्म से अलग कर दो सब। शहादत का जाम पी लिया और कुफार जहन्नम रसीद हो गए। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। अल्लाह अकबर। काली रूहों की लानत हमारी तलवारों में है और आज सब इस लानत का निशाना बनेंगे। कोई आ रहा है इन्हें बचाने के लिए? वो यहाँ पर आकर इनकी सिर्फ लाशें देखेंगे, तो आने दो फिर उन्हें यहाँ। सुनो मेरे सिपाहियों, हमारा मकसद पूरा हो चुका है, वापस चलने का वक्त है अब।
सिपाहियों, चलो। ये मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं? मालूम नहीं जनाब। बुरान, जख्मियों की देखभाल करो। जी हुजूर, जो हुक्म। बाबा, बाबा। बुरहान, बुरहान। ठीक हो ना? हा? जी। उठ जाओ, ठीक हो तुम, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। हिम्मत करो, हिम्मत, हिम्मत। अरे, उठो। कायो मास। जी सुल्तान। मदद करो मेरी, इसे ले जाओ। खड़े हो जाओ। हमने बहुत जाने खोई हैं बाबा। मेरे सिपाही अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सिपाहियों, मारे लाफर बेटा। बाबा, बाबा हिम्मत करो, उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो, लाओ दो, चलो पियो। ओए ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, सब क्यों हो रहा है? तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मेहमत बेटे, मेहमत बाबा, मेहमत बाबा, तुम ठीक हो बेटा? हाँ बाबा, उठ जाओ। मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? भाई, भाई आराम से। गुरुभोस, मेरे सिपाही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ बेटा? वो अचानक आ गए हमारे सामने, हमला किया और जंगल में चले गए। यहां क्यों खड़े हो? इनके पीछे जाओ। याकूब साहब, याकूब साहब, अगर उन्होंने दिन में हमला किया तो कुछ ना कुछ सोचकर ही किया होगा, लेकिन आपने सोचे बगैर कदम उठाया। मेरे सिपाहियों के खून के जिम्मेदार आप हैं। होश में आए उस्मान साहब। क्या आपके पास वक्त है मलहून खातून? मैंने जो कहना था वो कह दिया है बेटी। जानती हूं मैं, मगर आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुमने मुझे मायूस किया है आसमा। होलोफेरा पे तुमने बहतान लगाया, उसकी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। अलहून खातून, जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो वो अपनी हर हद पार कर गुजरता है। अगर आप मेरे पास खुद ना आती तो मैं कभी भी औरान साहब की खातून बनने का ख्वाब ना देखती। लेकिन आपने मेरे साथ मेरी माँ जैसा सुलूक किया, आपने मुझे ऐसी उम्मीद दे दी। और डर था कि होलोफेरा उसे बर्बाद कर देगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो आसमा, लेकिन तुम्हें खुद होलोफेरा को मौका देना चाहिए था। तुमने बर्बाद कर दिया सब खुद ही। जानती हूँ जो मैंने किया उसकी वजाहत नहीं हो सकती, लेकिन मुझे माफ कर दे वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे पहले तुम्हें होलोफेरा से माफी मांगनी होगी। फिर इससे आगे का फैसला मैं नहीं और हान साहब करेंगे, ठीक है? आप इस सब की कीमत कैसे चुकाएंगे? आखिर कैसे चुकाएंगे? आप भी इस तरह कई दफा जालों में फंसे हैं उस्मान साहब, हम आपका माजी भी जानते हैं। हम लोगों को अभी तक शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, आप क्या बात कर रहे हैं याकूब साहब? यहां आप जो कुछ देख रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इन सिपाहियों के खानदान की पूरी जिंदगी देखभाल करेंगे? तुम होते कौन हो मुझ पर फैसला चलाने की कोशिश करने वाले गुस्ताख? कौन हो तुम? हाँ उस्मान साहब, हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, कम अज कम आप लोग आज के दिन तो ऐसा ना करें। बताओ जरा ये हक तुम्हें किसने दिया? हाँ किसने, किसने कहा तुम्हें कि तबादले के दौरान कोई चाल चली जाए? किसने? मेरी गलती है जनाब। मैं एक ताजर हूं, नहीं जानता था वो वसीलस या फिर फैसल सलीबियों की नजर में एक बहुत ही अहम और इंतहाई कीमती शख्स है। मैं ये सुनकर याकूब साहब के पास आया, यही गलती हुई मुझसे, और सुल्तान ने तबादला करने का फैसला कर दिया। अगर वो तबादले के दौरान हमला करते तो हमारे सुल्तान के लिए भी मौजू होता। वैसे भी उन काफिरों के साथ तिजारत सिर्फ तलवार से ही हो सकती है। उन्होंने वही किया जो उनके लायक था, मगर कामयाब नहीं हुए। उस्मान साहब, मैं ये बात भी जानता हूं कि हमारे दरमियान बहुत से गद्दार हैं, लेकिन यकीन जाने मैं गद्दार नहीं हूं। अगर मेरे दिल में जरा भी गद्दारी हो तो अल्लाह ताला मुझे इस जंगल से निकलना नसीब ना करे। अगर कोई मुजरिम है भी तो वो मैं हूं। अगर कोई ऐसा सर है जैसे कटना चाहिए तो वो सर मेरा है। इस सब की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है उस्मान साहब। हाँ नागा, हम तुम्हें कौम से मोहब्बत करने वाले माहिर ताजर के तौर पर जानते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। सलामत रहे जनाब, मेरी जान दो मर्तबा आपकी मकरूज हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई भी हमारा मकरूज नहीं रहता। अब आप सबकी बारी है, आप सब ये जान लीजिए अब से इसके सुल्तान होने की कोई अहमियत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जिहाद होगा, क्योंकि मेरा रास्ता जिहाद है। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए, और जो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं
तो दुश्मन चाहे उसे छोड़ भी दे, मुझसे नहीं बचेगा वो। सिपाहियों, 14 और जख्मियों को साथ ले चलो। चलो सिपाही। हम सरदारान बैठ के इस पर मशवरा करेंगे। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ बहुत जल्दी में हुआ याकूब साहब। आपका रास्ता कुशादा और आपके जहन रोशन हो, इश्तियाल में ना आए, गौर से सोचें, चलें, सलामती से जाएं। आप कहां जा रहे हैं अयहान आगा? सिपाहियों, एक अरसे से बहुत कुछ मशकूक है, मगर जो कुछ भी था अब वाजे हो चुका है। महेंद्र साहब। सरदार। मेरे बेटो, तुम सभी एहान का पीछा करो। जनाब, क्या हम सिर्फ उसकी एक हरकत की वजह से पीछे जा रहे हैं? वो बहुत से बहादुरों की मौत की वजह बना, अब उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? महेंद्र साहब क्या कहेंगे? उस दिन मैं जब एहान का पीछा कर रहा था तो मुझे वो जगह मिली जहां उसने सोना रखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो खौफ ज़दा हो गया है, लेकिन मैं उस खौफ की वजह जानता हूं, कोई और ही बात थी, कुछ छुपा रहा था वो। यानी इसलिए वो जंग में फौरन जाहिर हुआ और गायब हो गया। जनाब, आपको क्या लगता है कि सारा खेल उसी ने तरतीब दिया है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करें भाई। हमने सुना है कि वो आदमी ताजिर है, जंग से डरता है वो। जब सरदार ने उसे बचाया तब भी वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। मेरे बेटो, इस सारे मामले में कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इंसाफ का तराजू अगर गैर मुतवाजन हो जाए तो कौम और रियासत कभी तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो। इसलिए हम पहले यकीन दहानी करेंगे और फिर ही सर उतारे जाएंगे। जब तक यकीन ना हो जाए कोई मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत भी नहीं करेगा। जो हुक्म जनाब। महेंद्र साहब, मेरे बेटो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। हम चारों तरफ फैल जाएंगे, उसके बारे में जितना हो सका सब मालूम करेंगे। चलो चलो, आ जाओ। उस्मान ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे तफ्तीश नहीं की। सुल्तान, हम अभी एक जंग से निकले हैं, आप जानते हैं। अब हम भी चलते हैं और अपने जख्मियों को देखते हैं। जहन्नम में जाए तुम्हारी ये तिजारत। तुम बड़ी दूर से सोने की खुशबू सूंघ लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ सके कि ये एक चाल है, या फिर तुम ये समझ गए थे, या उन्होंने हमें चाल में फंसाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दिया है। हाँ, ऐसा क्यों सुल्तान, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जबकि हमारे इतने सिपाही शहीद हुए हैं, मैं कैसे अपनी कौम को बेच सकता हूं? बात सुनो मेरी, मैं उस्मान जैसा नहीं चीर सकता हूं तुम्हें।
उसके भागने की वजह तुम हो, सिपाही तुम्हारी वजह से मारे गए। रुक जाओ मेहमत, बोलने तो इसे। मेहमत साहब और सुल्तान, मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ तिजारत करना जानता है, लेकिन हाँ, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं बेजमीर हूं और अपने ही लोगों से गद्दारी कर गुजरूं। मुझे गद्दारी करके अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, शुक्र है उस रब का, अल्लाह हमारे साथ है। मैंने एक ही बात कही और हालत देखी मेरे सुल्तान, जान के बजाय पैसा चला जाना चाहिए था। जाओ यहां से, और कुछ वक्त तक तुम मुझे नजर ना आना। जैसा मेरे सुल्तान मोहतरम का हुक्म, जब तक आप मुझे माफ ना कर दें मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। इजाजत दीजिए। मैं तो पहले से ही पोशीदा हूं अहमक हूं। कायमास सुल्तान, इसके पीछे एक आदमी लगाओ, वो हमें इसकी हर हरकत से आगाह करे। जो आपका हुक्म सुल्तान। जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरा जिहाद के अलावा और क्या हुक्म होगा? गुरबुज और बाकी शहदा के इंतकाम के लिए हम जंग करेंगे। वो तलवारें जो काफले से ली थी वो लोगों में तकसीम कर दी जाए, और अगर कुछ बच जाती है तो सरदारों को दे दीजिए। जो मेरे सरदार का हुक्म। उन तलवारों को देखकर सिपाहियों की हौसला अफजाई होगी। हुजूर, आप हदफ दिखाए बगैर हमें मुसल्लह नहीं करते, बताएं कि हमें कहां जाना है। किताए की तरफ जाएंगे। लश्कर और उसके साथ मुहासरे का सामान तैयार किया जाए। जो हुक्म जनाब। वो तलवारें देखकर सिपाही खुश होंगे, और ये जिहाद हमारा हर एक को आपस में मुत्तहिद कर देगा इंशाल्लाह। मंगोलों को लगता है जनाब हम शिकस्त के बाद पीछे हट जाएंगे। वो लोग देखेंगे कि उन्होंने ये फतह हासिल करके गलती की है। उन्हें हम दिखाएंगे कि फतह से पहले हम पीछे हटने वाले नहीं। जनाब घात वाले मुकाम पर तीरंदाज भी तैनात थे। मेरे बेटे गद्दारों के पीछे, उनके बड़े जालिम के पीछे। झरकुताए, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर अपने साथ? बिल्कुल जनाब, हमारे सिपाहियों का और गुरबुज भाई का खून कभी रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हुजूर, कोनिया के गवर्नर को निशाना बनाने का मतलब यह है कि औलजाए को निशाना बनाया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यह आफत बड़ी होगी। कोनिया पहुंचने से पहले उस गीदड़ को निशाना बनाना है, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सिपाहियों, आज जालिमों के अंजाम का दिन है, आ जाओ। या हमने उनके सिपाही मार दिए थे, शहजादे को भी मारने ही वाले थे, उन सभी को मार सकते थे हम। जीत हमारी होती, लेकिन उस्मान साहब को खबर भिजवाओ। जो ताकत से हुकूमत नहीं कर सकता उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिसे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा हो, जंग वही जीतता है।
उस्मान और याकूब ने हमारी ताकत देख ली है और यही ताकत उन दोनों को शिकस्त देगी। हम जल्द वापस पहुंचकर अपने फौजियों के साथ मुत्तहिद होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुश्मन का सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। चलो सब। अब बेहतर महसूस कर रही हो? शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूं बिल्कुल। आप परेशान मत हो। हक पर होने वाले शख्स का सर हमेशा बुलंद होता है, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। जिन्होंने तुम्हारी सुने बगैर और तुम्हें समझे बगैर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने पूरे बाजार में आज अपनी असलियत देख ली। होलो फेरा, वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी दुकान से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्सा कर सकती हो तुम, मैं यहां माफी मांगने आई हूं। माफी मांगने? बाजार में हर कोई हमारे बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि होलो फेरा ने तुम्हारे मंगेतर को तुमसे छीन लिया और तुम देखती रह गई। और जब मैंने ये सुना तो मैंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। लेकिन मैं जानती हूं इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और वो आप नहीं जिसने मुझसे वादा किया था। मैंने गलती की, माफी मांगती हूं तुमसे। ठीक है, मेरे सामने आने की जरूरत मत करना दोबारा। आसमा मुखलिस दिखाई देती है, मगर मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक इसे अच्छी तरह जांच ना लूं। गलती को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार उसने हमें शक में डाल दिया, तुम्हें उसे मजीद जानने की जरूरत होगी। देखते हैं, अगर होलो फेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। औलाद की जिंदगी का हर मरहला ही एक इम्तिहान है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने बेटों का एक अच्छा घर बसाएंगे। आमीन बाला, आमीन। वैसे तुमने गोंजा के बारे में क्या किया, क्या कुछ पता चला है? हाँ पता चला है, अलाउद्दीन ने गोंजा के लिए मोहब्बत का इजहार किया है। हाँ, और गोंजा के दिल में भी उसके लिए यही है। चलो खैर है। हाँ खैर है। याकूब साहब से गोंजा का हाथ मांगना मुश्किल है, मगर गोंजा सच्ची है, अच्छी लड़की है। हाँ अलगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने काफी वक्त गुजारा है, गोंजा हमारे लिए अच्छी बहू होगी? मुझे नहीं पता। गोंजा खातून, गाजी सिपाही, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों है? होना क्या है, आज भी बहुत से लोग आपका रिश्ता मांग रहे हैं, बहुत अहम बात है ये। किसने मांगा? हाँ, अलाउद्दीन साहब। हाँ मगर आप मेरे बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकती, मैं भी साथ आऊंगा आपके। आज नहीं जा सकते गाजी, जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ।
ये तुम्हारे लिए है। लेकिन चली गई। मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं मेरे शहजादे, ये मेरे ही, मुझे गौंचल हाथों ने दिए हैं, ये मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जाओ जाकर खेलो गाजी सिपाही। यहां क्यों आए हो अरहान? हर कोई हमें देख रहा है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया है, मुसलमान नहीं बन सकती मैं। खोलो फिरा, जिद नहीं करनी चाहिए तुम्हें। हाँ तुम पूछो, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अपने मजहब के बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जज्बात में फैसला ना लो तो बेहतर है। देखो अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, शादी करके खुश रहेंगे हम, एक यही तो शर्त है, मान लो। आखिर मुझे ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ रही है औरान? मुसलमान नहीं बनूंगी मैं, मेरी तरफ देखो, कभी भी मुसलमान नहीं बन सकती मैं। मत करो, सोच लो एक दफा। सोचने के लिए नहीं बचा कुछ, आखिरी फैसला है मेरा। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं गुंजा, क्या तुम खामोश ही रहोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? चालाक खातून, सोच रही हूं कि तुमसे कैसे कहूंगी मैं। अलाउद्दीन, आपने मुझे गलत समझा है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है तो आप गलत हैं। तुम क्या कह रही हो गुंजा? वही जो आपने सुना, मैं पसंद नहीं करती हूं आपको, मैं पसंद नहीं करती हूं आपको। दोबारा ऐसा मत सोचिए गुंजा खातून। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्यों कर रही हो गुंजा? जो कहना था कह दिया, अब जाने दे मुझे। नहीं,
मैं नहीं जाने दूंगा। कल से आज तक क्या बदला है गोंजा? अलाउद्दीन जाने दे मुझे। गोंजा, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम पर भरोसा करूं। मुझे भरोसा है तुम पर, मुझे तुम पर इतना भरोसा है जितना खुद पर करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी जो तुमने अभी कही। यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है, अब जाने दे मुझे। गोंजा, गोंजा, क्या बात है? तुम्हारा खानदान या तुम्हारी वालिदा, बताओ आखिर बात क्या है गोंजा? मेरे रास्ते से हट जाइए अलाउद्दीन। गोंजा, गोंजा, मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? अलाउद्दीन, ऐसा मत करें। और कभी मेरी राह में दोबारा नहीं आना। हट जाओ। गोंजा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आंखों पर करता हूं। चलो। तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं गोंजा। तुम्हारी आंखें, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अलाउद्दीन, बुरहान भाई, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्या बात है? हाँ, गोंजा ने कहा है कि वो मोहब्बत नहीं करती। ये तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? जब से उसकी बात सुनी है, मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। यकीनन उस पर किसी किस्म का दबाव है। अगर उसकी आंखें उसकी बातों की मुखालफत ना करती तो मुझे परवाह नहीं होती। आंखें अक्सर सच कहा करती हैं और हम हमेशा अल्फाज की परवाह करते हैं। खैर, आप बताएं, क्या होलोफेरा मुसलमान होने के लिए मान गई? मना कर दिया। जाहिर इतना आसान नहीं है। मैं भी वालिदा और होलोफेरा के दरमियान फंस गया हूं। अब हम क्या करेंगे भाई? जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, जारी रखेंगे कोशिश, लेकिन उससे भी पहले हमारा काम जरूरी है। सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल मेहमत के साथ मसरूफ, लेकिन तुम्हारा मुकाबला तो सिर्फ गाजी से है ना? ऐसा ना कहें, गाजी एक मजबूत हरीफ है भाई। अच्छा, चलो फिर तुम्हारी ताकत भी देख लेते हैं। ठीक है। सिपाहियों, इन पर काई के शानदार तीर बरसाओ। अल्लाहू अकबर। सिप
भाइयों, चुप जाओ। खाना जला से उन्होंने तो जान देने से पहले कहां जाने की तैयारी है? गारा जलासुन कभी किसी से नहीं छुपा उस्मान, मुझे शिकस्त देना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे कुछ नहीं बदलेगा, जो भी इन सरजमीनों पर आता है वो खून बहाता है और फिर यही दफन होता है। सिपाहियों करो हमला, निकलो बाहर, हमला। गुंजा ठीक तो हो ना? नहीं, चलो मेरे साथ चलो। क्या हुआ है तुम्हें? एक ऐसी मुश्किल में फंस गई हूं मैं कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा। ठीक है बस बैठो, आओ इस पर बैठ जाओ। बताओ क्या हुआ है? जो मैंने तुम्हें अलाउद्दीन के बारे में बताया था वो हमारे दरमियान ही रहे तो ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा था किसी को नहीं बताऊंगी मैं, मगर तुम ये तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? आपने कहा था ओरहान और आपका रिश्ता नामुमकिन है, हमारा रिश्ता भी अब नामुमकिन है, सब कुछ खत्म हो गया। किस लिए? लेकिन क्या इसकी वजह आपका खानदान है? कोई हल होगा, यकीन है मुझे शायद इस रिश्ते की वजह से दोनों खानदानों में कशीदगी खत्म हो जाए। मेरा खानदान ही नहीं बल्कि नहीं हो लो फेरा, ऐसी कोई चीज नहीं। मैंने अलाउद्दीन को बताया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, सब खत्म हो गया। तुमने ऐसा क्यों कहा गुंजा? अब उसकी जिंदगी में कोई गुंजा नहीं है, ऐसा ही समझे। और अलाउद्दीन, उन्होंने क्या कहा? क्या कहता वो? या मेरे अल्लाह, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी उस्मान, पहले मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा। अब मौत से डरने वाले नहीं, हम हक की राह पर गामजन रहेंगे बातल के खिलाफ हमेशा। Ah!
मेरे भाई, क्या अब तुम्हारे हाथ दोनों तलवारें चलाने के काबिल हो गए हैं ना? मिल गया जवाब तुम्हें। समझ गया मैं, समझ गया। तुम्हें पीछे मौजूद दुश्मन पर भी नजर रखनी चाहिए। तुम मुझे भाई कहते हो ना बरान, तो तुम्हें ही नजर रखनी चाहिए। चलो चलो चलो। दुश्मन, मत हाथ लगाना मेरी तलवार को, मत लगाओ हाथ। दुश्मन, उस्मान, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हारा सर काट कर तारीख कायम करूंगा मैं। तड़प तड़प कर तुम मर जाओगे उस्मान। फकत अफसाना है तुम्हारी कहानी, तुम खाक होकर रह जाओ। आया आ जाओ। साथियों, कमांडर की हिफाजत करो। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। भाग कर कहां जाओगे? भागोगे फिर से? भागोगे किधर उस तरह? सिपाहियों, बुरान, माहिर सिपाही इनके पीछे रवाना की जाए। जो हुक्म जनाब। यागीज, तिमरन, अयाज, चलो जल्दी। कुर्बुज और हमारे तमाम शहीदों का खून खुश्क होने से पहले हम उन काफिरों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अभी तक हमने इनके सरदार का सर नहीं काटा। हरगिज फिक्र मत करना, हम जल्दी उनसे हर किसी का इंतकाम लेंगे। अभी उस गीदड़ की तलवार ली है, जल्द ही उसकी जान लेंगे। इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह। औरान आपके बारे में नहीं सोच रहा होलफेरा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपको कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? वो नहीं जानता है कि जो कुर्बानी मुझसे मांग रहा है वो कितनी मुश्किल है मेरे लिए। वो जानता भी क्या है? देखो उसने आसमा के साथ क्या किया। मुझे उस लड़की का दुख है। क्यों, उसके साथ क्या किया है उसने? वो अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, मगर मैं बरहम नहीं। अजीब मुश्किल में डाल दिया है उसको, और ये सही नहीं है। हर कोई तुम दोनों की बात कर रहा है। अब तक औरहान के तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने ने लोगों को परेशान कर दिया है। उनका कहना था कि वह आसमा को अपनी बहू बनाएंगी। यकीनन लोग भूल चुके हैं इस बात को।
इन बातों को इस तरह अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहिए होलोफेरा। इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा, ये बात तो मालूम है आपको। यकीनन ये तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ ओरहान नहीं किया, और इसकी तकलीफ या तो तुम्हें पहुंची या फिर आसमा को पहुंची। एक और बहुत अहम मसला है, मेरी खाला, मैंने उनको यहां होने वाली किसी चीज का नहीं बताया, लेकिन वो समझ गई है। हमेशा यही होता है, मुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही हैं वो, और मैं नहीं जानती उनसे क्या कहना चाहिए मुझे। लेकिन मैं जानती हूं, मेरा मशवरा है कि तुम्हारी खाला से मिलते हैं, क्या ख्याल है? गुलजे बताओ क्या हुआ है? गुंजा खातून ने अलाउद्दीन से कहा है कि मोहब्बत नहीं करती उनसे। ठीक है, अब हमारे पास एक और काम है, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शाम हम होलोफेरा के खानदान से मिलने जाएंगे, और ये बात वाज़े है कि वो होलोफेरा का हाथ मांगेंगे। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, कोई नहीं जानता। अब किस भाई के लिए परेशान हूं मैं, जल्द से जल्द महल जाना होगा। चलो सब कुछ उस्मान के मफाद में होता है, सरदारान भी उसी की तरफ हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा महमूद, लेकिन पहले मुझे जहर कुताई से हिसाब लेना चाहिए। हमने उसे महल में भेजा और कहा कि हमारी आंखें और कान बनकर हमारे लिए काम करे, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। उस्मान ने हथियारों के काफिले पर हमला किया और कामयाब हुआ, अगर वो ये जानता था तो हमें क्यों नहीं बताया? वो इसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन हम पहले उसे आजमाएंगे, उसके बाद देखते हैं। एक अहम मामला है याकूब साहब। खैरियत तो है खातून? खैरियत ही है जनाब, बिल्कुल खैरियत है। होलोफेरा इस वक्त बहुत उलझी हुई है। क्या उसने आपसे कुछ कहा? उसने कबूल कर लिया? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बखूबी जानती है कि हम यहां होने वाले वाकयात की वजह से उसकी खाला से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम मुलाकात से कुछ ज्यादा ही करेंगे इंशाल्लाह। क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है महमूद? ये बहुत जरूरी है। बाबा, मेरा फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे। तो फिर ठीक है, हम इस मसले को हल करेंगे। तो फिर तैयारियां शुरू करो खातून, हम उनसे मुलाकात करेंगे और होलोफेरा का हाथ मांगेंगे। क्या हथियार तकसीम कर दिए गए? सब तकसीम कर दिया हुजूर, वो अब तक सरदारान तक पहुंच चुके होंगे। हाँ, शुक्रिया। कबायली जंगजू करारगाह की तरफ चले गए हैं और एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर ली है।
कोनूर अभी करारगा में है और महासरा करने वाले हथियार कल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को भी इसकी खबर ना हो जाए खुदा। फिक्र न करें हुजूर। सिपाहियों, किताई को फतह करना हमारे लिए अहम है, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर तुम में से कोई भी हरकत नहीं करेगा। जो आपका हुक्म हुजूर। किताई गिर जाएगा कोई शक नहीं, लेकिन अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे। मेरे बेटे अब एहान का पीछा कर रहे हैं, अगर उस सलीबी को ढूंढकर उनके मुत्तहिद होने से पहले मार डालते हैं तो ना सिर्फ किताई बल्कि इज़्निक और वुर्सा की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। इंशाल्लाह। मेरे बेटे वापस आ जाए तो फिर देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयकुत, गुरबुज के लिए अपना आखिरी फर्ज अदा कर दिया? हमने अपना आखिरी फर्ज पूरा कर दिया है। गुरबुज और हमारे दीगर शहदा सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उन्होंने मैदान जंग में हमेशा जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो हमेशा याद रखी जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो जो गुरबुज ने छोड़ा है अब से तुम्हारा है, इसका सही इस्तेमाल करना। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। उन काफिरों से इंतकाम जरूर लूंगा जिन्होंने मेरे भाई गुरबुज और हमारे जंगजुओं को शहीद किया। मैं इसी से उन पर वार करूंगा। हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उन काफिरों को उनके किए की सजा न दे दें। हमने अपने खून बहाने वालों का खून बहाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहदा की रूह सुकून में होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हक की राह पर जो चलते हैं उन्हें राहत मिलती है जब वो शहादत का मर्तबा हासिल करते हैं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। जिन जगहों पर मैंने तुम्हें समझाया वहां पर बारूद रखो, लेकिन होशियार रहना, यहां की जगह साफ कर दो। दरवाजा खोलो एहान आगा। मैं इनका ध्यान बटाऊंगा, जल्दी से ये सब उठाओ। जी ठीक है, चलो। क्या आप हमारी मेजबानी नहीं करना चाहते? तैयार हो जाओ। अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहान आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शहजादे, खैर तो है? आप इस वक्त मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं, क्या बात है? क्या मतलब, क्या हमने आपको परेशान किया? बिल्कुल नहीं शहजादे, ये क्या कह रहे हैं? मैं ये आपके लिए कह रहा हूं, मतलब अगर आप मुझे बता देते तो मैं फौरन आपके पास चला आता। मेरे शहजादे, आपको जहमत हुई। अगर हम बुलाते, हम जानते हैं आप आ भी जाते, मगर बात यह है कि हम यहां चलकर खुद मिलना चाहते थे आपसे। एक शिकायत मिली आपकी। मेरे बारे में शिकायत? हां, जिस किसी ने भी मेरे बारे में शिकायत की वो मेरे शहजादों और जंगजुओं को मेरे गरीब खाने के दरवाजे पर लाया है। आखिर कौन हो सकता है वो? लेकिन शहजादे, मेरे और किसी के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए आगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मसला चाहे कुछ भी हो, बस कांटा मजबूत होना चाहिए। बताइए इन्हें बाइंदर साहब। शहजादे, ये मगरिब से सामान लेकर सरहदी बाजार भेजता है, ये उस तिजारत का महसूल अदा नहीं करता जनाब। उस्मान साहब इस मामलात की सारी तफसीलात जानना चाहते हैं। अल्लाह ना करे मेरे शहजादे, ये सरासर बोहतान है और झूठ है। यकीनन ये उन काफिरों की साजिश है, वो ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। मेरे शहजादे, अल्लाह ना करे मैं अपनी प्यारी कौम से कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? खास तौर पर मैं उस्मान साहब को कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर मैं जरा सी भी खयानत करूँ तो आप इस दरवाजे से मुझे घसीटते हुए बाहर ले जा सकते हैं। मेरे शहजादे, इंसान से कोई भी उम्मीद की जा सकती है,
तो आप भी तो इंसान ही है ना। या अल्लाह। अब बताइए मुझे, उस्मान साहब की हुकूमत उली क्यों की? क्या तलाशी लें हम यहां पे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? यह आपका अपना घर है। ऐसा ही है, और सब कुछ इसी जगह होना चाहिए। यह भी आप ही की जिम्मेदारी है। बेशक शहजादे। काराली, यहां की तलाशी लो। और हां, इतनी कि हमारे अंदर शक का जर्रा भी ना रहे। जो हुक्म शहजादे। अयहान आगा बताएंगे इस दरवाजे के पीछे क्या है। अरे आप खुद को क्यों जहमत दे रहे हैं, वो भी मेरे होते हुए। भाई सुंगूर, एहान आगा के साथ रहना। सब कुछ यहां मौजूद था जनाब। यही था, मगर अब छुपा दिया गया है। ये बारूद है। चेहरे पर मुस्कुराहट और पीठ पीछे धोखेबाजी हुजूर। इसकी कीमत अदा करनी होगी इसे। धोखा किया है तुमने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे को जान लेंगे, लेकिन हम जल्द मिलेंगे और तब हिसाब बराबर करेंगे। बिल्कुल नहीं, अभी होगा हिसाब और तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार से उतरेगी। ये उसी वक्त देखा जाएगा। जल्द मिलते हैं। जल्दी उसका पीछा करना है, चलो। मलहून। हाँ, इन चीजों को तो देखो जरा। बाला, ये बहुत खूबसूरत है। आप शादी की तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन कौन जानता है कि गुंजा अलाउद्दीन को हाँ कहेगी या नहीं। आलगन, क्या हमसे कुछ कहना चाहती हो मगर बता नहीं रही? हाँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाला ठीक कह रही है, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें भी बताओ। ये मामला शादी का है, कोई आम बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सादत खातून की वजह से कह रही थी मैं। क्या करें अब, उनको मोहब्बत जो हो गई है। ऐसा ही है,
और हान को ही देख लो, कितनी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। इसलिए बेहतर है कि बच्चों की बात मान ली जाए। और अगर उसी शादी की वजह से आपने उनको खो दिया तो फिर क्या होगा? वालिदा। हाँ कहो बेटा। आप लोग ये क्या कर रही हैं? गोंजा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। बिला वजह खुद को थका रही हैं। भाई की पेशकश को कबूल नहीं किया गोंजा खातून ने। ये क्या कह रही हो फातिमा? अलाउद्दीन अब कहाँ है? भाई की ही तलाश में हूं मैं, लेकिन फिल वक्त वो मुहिम पर है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके अलावा कुछ और भी है। अगर इस खबर का औरहान भाई को पता चला तो कयामत ढा देंगे। ऐसा क्या है बताओ, खामोश क्यों हो? वो मेहमत साहब के लिए होलोफेरा का हाथ मांगने जा रहे हैं। फातिमा, औरहान को ये पता नहीं चलना चाहिए, हरगिज नहीं। फातिमा सुन रही हो ना? ठीक है वालिदा, नहीं बताऊंगी। खवातीन, खवातीन, उस्मान साहब आ रहे हैं, सोचा आप सबको बता दूं। चलो समेटो सब कुछ। उस जगह पर एक खुफिया रास्ता है जनाब, जिस बात पर हमें शक था वही हुआ, वो गद्दार अयान ही है। ऐसा ही है मेरे बेटे, यकीनन। और वो सामना करने से पहले भागने की तैयारी करते हैं। अब ये बताओ जरा, एहान के घर में और क्या देखा तुम लोगों ने? जब हम खुफिया रास्ते से एक कमरे में गए तो हमें वहां बारूद मिला जनाब। पहले उन्होंने हमारी तवज्जो हटाई, फिर उन्होंने वहां से सामान मुंतकिल कर दिया। वो आग के खातिर इस तरह अपने आप को खतरे में डालता है। बहुत कुछ छुपा है उसके पीछे। ना जाने कहां और कैसे हमें नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। हमारे साथ वो दस्तरखान पर बैठा, उसने हमारा भरोसा भी जीत लिया, धोखेबाज। इसके बावजूद हम अपने इकदामात में इजाफा करेंगे। जो कुछ पहले हुआ उसे दोबारा होने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ऐसा ही है, मगर अब हकीकत आश्कार हो चुकी, उसके पास भागने को कोई जगह नहीं बची। उसे उसकी गर्दन से पकड़ेंगे। अब बताओ जरा, फतह की तैयारियां राजदारी से चल रही है ना? बिल्कुल हुजूर, जैसे आपने हुक्म दिया था। अच्छा है, अच्छा है। और अब हर किसी को आगाह कर दिया जाए ताकि ये खबर उस गीदड़ तक पहुंच जाए। जो आपका हुक्म। मकसद क्या है जनाब? गीदड़ भेड़िए का घर खाली देखेगा, वो दांत गाड़ने का सोचेगा। काराजिला सोन की क्या खबर है? उसे कोनिया का टेकफोर मुकर्रर किया गया है, वो सलीबियों का साथ दे रहा है। काराजिला सोन कुछ देर हमारे करीब नहीं आ सकेगा, वो अपने अंजाम के वक्त आएगा। बाबा। फातिमा। ओए मेरी प्यारी बेटी, मेरी फातिमा। ये उसी घटिया इंसान की है ना? क्या उसे आपने मार डाला? नहीं अभी नहीं, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सिपाहियों अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालिए।
जो हुकुम जनाब। चलो फातिमा, बेहतरीन सा दस्तरखान तैयार करवाओ हमारे लिए। जो आपका हुकुम। अरे माशाल्लाह। यहाँ आगा चला गया, एक अच्छा ताजर था, और अब उनका सामना होगा उस्ताद गिरा से। अब हम नहीं छुपेंगे, अपनी पूरी कुव्वत के साथ हम उन पर वार करेंगे। आखिरकार हम एक हकीकी जंग शुरू करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल वसीलस। क्या चल रहा है दिमाग में? गर्मियान और काई वाले होलोफेरा को चाहते हैं कि बहू बनाए, क्या ऐसे ही है? और तुम मुझे ये अब बता रही हो आंद्रा? हाँ मैंने क्या कहा था तुमसे? होलोफेरा क्या कर रही है, हर बात की खबर चाहिए मुझे। दरअसल रहो, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये तुर्क अपनी हदों से बहुत आगे निकल गए हैं। उनके साथ क्या करना है अच्छी तरह जानती हूं मैं। होलो फेरा, क्या मेहमानों के लिए सब कुछ तैयार है? जी तैयार है खाला जान। आंद्रे तुम ठीक तो हो ना? आंद्रा ठीक है, चलो जाओ तैयारियों में मदद करो। याकूब साहब और उनके घर वाले क्यों आए हैं? मुझे कैसे मालूम हो सकता है, असल में मुझे भी तजस्सुस है। सादत खातून मेरे ख्याल साहब से मिलना चाहती हैं। वो ये शायद औरहान और होलोफेरा दोनों के लिए सबसे बेहतर है, हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि होलोफेरा कबूल करेगी। मैं वाकई नहीं समझी, सादत खातून का होलोफेरा के रिश्ते के लिए जाना समझ नहीं आता। मैं उसका मकसद जानती हूँ, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। वालिदा, जब भाई को पता चलेगा कि मेहमत के लिए होलोफेरा का रिश्ता मांगा जा रहा है। बस खामोश रहो फातिमा। और हान को नहीं पता चलना चाहिए। किस बारे में बात हो रही है वालिदा? हाँ? फातिमा, फातिमा बताओ क्या बात है, दोबारा ना पूछना पड़े। मेहमत साहब के लिए होलोफेरा का रिश्ता मांगा जा रहा है। फातिमा, क्या तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या करूंगा मेहमत को अंदाजा भी नहीं है, नहीं बचेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है औरहान? वालिदा आप बीच में मत आइए, हरगिज नहीं। औरहान तुम कहीं नहीं जाओगे। होलोफेरा ने इस्लाम कबूल किया या नहीं? नहीं किया उसने, और कहा कि कभी कबूल नहीं करेगी। ये जवाब चाहिए था ना आपको? हाँ
अब तो खुश हो गई ना, यही चाहती थी आप पहले ही दिन से। मैं तुम्हारा सोच रही हूँ। जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरी भलाई के लिए सोच रही हैं। कितनी बार कहेंगी ये? बस वालिदा, बस, अब और नहीं सुनूंगा मैं। तो फिर ठीक है शहजादे, हम अगवा कर लेते हैं उन्हें। आजी। क्या हो रहा है बेटा यहाँ? मलहून और हान, किसके अगवा का जिक्र हो रहा है? याकूब साहब होलोफेरा का रिश्ता लेने गए हैं। अच्छा बाबा, इजाजत चाहता हूं, मजीद नहीं रुकूंगा, अब होलोफेरा को लेकर आऊंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। और हां, तुम वहां नहीं जाओगे बाबा। और हान, अगर तुम अभी वहां जाओगे तो याकूब को एक नया बहाना मिल जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं कैसे ना जाऊं बाबा? क्या मुझे कोई ये बताएगा कि मैं क्यों ना जाऊं? बेटा, वो सिर्फ रिश्ता लेने गए। अगर वो राजी नहीं तो घर वाले भी राजी नहीं होंगे। होलोफेरा उसे कबूल नहीं करेगी बाबा। और हान, वरना वही करेंगे जो गाजी ने कहा। अगर होलोफेरा ये शादी कबूल नहीं करती करना होगा मेरे सरदार। मोहतरमा ओलिविया, हमें पहले मुलाकात का मौका नहीं मिला। आपसे भी मिलकर खुशी हुई सुल्तान याकूब, मगर आप लोगों के अचानक आने की वजह से मुतजस्सिस हूं। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। होलोफेरा के होते हुए कुछ बुरा कैसे हो सकता है? हम होलोफेरा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है आपने, माशाल्लाह। होलोफेरा मुझे बहुत अजीज है, मरहूमा बहन की वाहिद निशानी है ये। असल में मैं इसे सरहदी बाजार में नहीं भेजना चाहती थी, मगर इसने बहुत इसरार किया, बात माननी पड़ी, और इसी वजह से मैं इनसे मिल सका। दुरुस्त कहा ना? आला, बहुत आला। होलोफेरा जितनी आपके लिए कीमती है हमारे लिए भी बिल्कुल वही है। मुझे घुमाकर बात करना पसंद नहीं। मैं अपने बेटे के लिए होलोफेरा का हाथ मांगता हूं। मेहमत, अपनी मौत की जाने पड़ रहे हो। मेहमत, मौत की जाने। मेहमत,
मगर मेरा नाम भी ओरहान है। ओरहान हूँ मैं। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम्हें हिसाब देना होगा। भाई, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाए भाई, ऐसा ना करें। हुआ क्या है ये बताएं। तुम्हें नहीं पता? हाँ, कैसे रोकूं मैं उसे अलाउद्दीन? वो मेहमत जानते हो कहाँ गया? मेरे होते हुए वो होलोफेरा का हाथ मांगने गया है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जाए भाई, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। मुझे कभी मालूम नहीं होता अगर मैं ना सुनता। मेरी वालिदा मुझसे ये कैसे छुपा सकती हैं? उन्हें आखिर किस बात का इंतजार था? ठीक है भाई, थोड़ा आराम कर लें आप। इधर आए, बैठ जाए आराम से। बैठे, बैठ जाए। आप पहले मेरी बात सुने। अगर आप इस वक्त वहां गए तो होलोफेरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम कल बाजार जाएंगे और हकीकत मालूम करेंगे। और हां, होलोफेरा उसे कबूल करेगी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। नहीं मानेगी? हाँ, तुम्हें यकीन है कबूल नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे ही होगा। मगर मैंने उस पर बहुत दबाव डाला है अलाउद्दीन। उसने इस्लाम कबूल करने के लिए भी मना कर दिया था। मैंने मजबूर किया उसे। नहीं नहीं, होलोफेरा समझदार है, वो जानती है कि उसे क्या करना है। काश ऐसा ही हो, काश। वो मुझे नहीं बताएगी, मगर मैं जानता हूं होलोफेरा के दिल में मेरे लिए क्या है। मैं जानता हूं। हां, मैंने फातिमा से सुना है और बाबा से भी। वो हक पर है, वो सिर्फ हाथ मांगने गए हैं, रिश्ता नहीं हुआ है। अगर वो गफलत में रिश्ता भी दे देते हैं तो फिर हम जाकर उसे अगवा कर लेंगे। यकीनन ऐसा ही करेंगे। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, लगता है एक के बजाय दो को अगवा करना होगा। अलाउद्दीन भाई, शुक्रिया, सलामत रहो। अलाउद्दीन, कभी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ओहो, तो अब मैं कहाँ जाऊं? वहीं रुक जाओ तुम। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये बात क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? भाईजान, वालिदा से मुझे डर लगता है, वरना सबसे पहले आपको बताती मैं। क्या कुछ भी छुपा सकती हूँ मैं आपसे? अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया, तुम्हें माफ किया। अलाउद्दीन भाई। बाला वालिदा। वसीलस यानी शहर को बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर वो एक दरवाजा बंद करते हैं तो ये अच्छी तरह जानता है कि दूसरा कहां खुलेगा। जब इल्म से नहीं जीती जाती, इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझे मंगोल। उस जाल के बारे में सोचो जो याकूब के लिए हमने बिछाया था। वहां मौजूद सरदार कितने शदीद तनाव में थे, वो कैसे अपना ईमान खो बैठे थे। उनकी वाहिद उम्मीद उस्मान है। मतलब कि तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के लिए धड़कते हैं।
तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के गिर्द घूमते हैं। हमें उन तमाम मुसलमानों के दिलों को अपने काबू में करना होगा। उस्मान अब हमारे कलों पर भूखे भेड़िए की तरह हमला करेगा। जब वो अपना पहला हमला करने सफर पर निकलेगा, यानी शहर हमारी मसनद होगा, यानी शहर, उसका खानदान और वो महल जो उसे बहुत ही अजीज है, वो सब कुछ खो देगा। मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया। आज रात यहीं रुको, हर बात तय करेंगे बैठकर, ठीक है? बहुत खूब, मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया मंगोल। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे उस दिन उसकी आंखों में जवाब मिल गया। वालिदा, आज मेरे सामने वो गूंजा नहीं थी, ये कोई और ही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसका उसे डर है। शायद कोई बात तो जरूर है जो हम नहीं जानते वालिदा, लेकिन मैं जान लूंगा। यकीनन जान लोगे। मेरा शेर बेटा इतना बड़ा हो गया कि इसे प्यार भी हो गया। ओ, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बाबा। वाकई ऐसा है? अलाउद्दीन, तुम राज रखने वाले हो क्या? अपने बाबा से भी छुपाओगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह बाबा, आपको बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर।